हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल एंड हैप्पी संडे। सो टुडे इज संडे, सो एवरीवन हैव टू एंजॉय एट योर होम विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस, सुबह का मॉर्निंग एकदम बढ़िया सी हो गई है और चाय बन रही है। चाय के साथ साथ आ गए हैं हमारे लिए मस्त से पकौड़े, क्योंकि आज मैंने बोला इनसे मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए आप नाश्ता कुछ ले आओ, नहीं तो डबल डबल मुझे बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। इसलिए बढ़िया से पकोड़े आ गए हैं, जिस जिसको खाने आ जाओ। क्या कह रहे हो बाबू, क्या कह रहे हो? पकोड़े भी लाई, एक खाली प्लेटर लाई। कौन 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 हूँ मैं? अड़की। सो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे लड़की बोला है। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े हैं। हमारे यहाँ एक भैया हैं जो रेडी, मतलब एक नॉर्मल सी वो रेडी है, बट बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं। और ये देखिए कितने मस्त पकौड़े हैं गाइस, बहुत ही टेस्टी है, मस्त। और यहाँ पे चाय आ गई है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, नाश्ता करते हैं। और गाइस, ये वाली दरियां देखो कितनी अच्छी होती है। हमारे घर में जितने भी कपड़े बचे होते हैं हम उनसे दरियां बनवा लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया दरियां है। जिसके घर में कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हो तो दरियां बना लें, वेस्ट ना करें, कपड़ों को फेंके ना या किसी को जरूरतमंद को दे दें। तो गाइस, आज बेड खाली करा है, सारे जो वुलन क्लोथ्स है वो निकाले, देखिए कितने सारे वुलन क्लोथ है। और गाइस, मैं कहाँ कहाँ समेटू, इन्हें दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो मैं सोच रही हूँ आज जगह बनाई जाए सेटी में, जो ड्राइंग रूम में सेटी है। सो ये तुम नहीं पहनोगे ब्लैक वाली जैकेट? सो गाइस, सोच रही हूँ उसमें जगह बनाई जाए, सारे कपड़े उसमें सेट करे जाए। और गाइस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे मिली है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दो फोटोज मिली हैं, सो गाइस मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। दोनों चौकी की है ना ये बोथ बोथ फोटोज जो है, सो गाइस माँ की चौकी की है, मैं दिखाती हूँ। सो गाइस, ये वाली जो है पूरी फाइल है, पिक्स की एल्बम है, ये हमने कार्तिक के बर्थडे पे करवाई थी चौकी, तब की है माँ की। और ये जब छुटकू होने वाला था, इससे पहले हमने बोला हुआ था कि बाबू हो जाएगा तब हम कराएंगे, तो हमने तब कराई थी जब ये 6 मंथ्स का था। कार्तिक देख, उसको देख मुंह में क्या डाल रहा है बेटा, देख लग जाएगी उसके। रुक जाओ, मैं दिखा रही हूँ सबको। सो गाइज, ये देखिए बाबू कितना छोटा है इसमें, गुड्डू कितना प्यारा है, और मैं कितनी जवान हूँ, ये भी कितने जवान है, अब हम बूढ़े हो गए। सो गाइज, देखिए कितनी सुंदर है ये एल्बम, बहुत ही प्यारी एल्बम है। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी पिक्स। ये देखिए दोनों भाइयों की, ये देखिए गुड्डू की कैसे बैठा हुआ। तो गाइज, ये कलश है जो घर से मैं कलश लेके जा रही थी मंदिर, क्योंकि काली मंदिर है जो वहाँ हमने चौकी रखवाई थी। तो गाइज, ये हम कलश लेके जा रहे हैं, देखिए बाबू कितना छोटा है, देखो। आ जा बाबू, यहाँ बैठ जा, ये देखिए गाइज। और गाइज, ये कलश लेके जा रहे हैं हम, ये मेरी छोटी भाभी है। और ये कौन है? ये देखिए, ये कलश उतार रहे थे सब लोग। और ये कौन है? ये आप हो। मैं। और ये किसके हाथ है? पापा जी के। ये गाइज, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए। और ये डांस करते हुए, ये हम नाच रहे हैं। ये मेरी ननद है मुरादनगर वाली, ये ममता है जो कल आई थी, ये मैं नाच रही हूँ, ठुमके लगा रही हूँ। और ये देखिए, ये सारे समधन समधन है, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी मम्मी है, ये हमारी गुड़गांव वाली मामी है, मतलब मैं आंटी बोलती हूँ पर ये है मेरी मामी। शुरू से इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा है और मैं इन्हीं के घर, सही बताऊँ मतलब बहुत रही हूँ मैं। ये भी हमारी मामी है, ये हमारी कहाँ वाली मामी है, देवली वाली, ये देवली वाली है। और ये देखिए गाइस, कल आई थी ममता, ये वो है, उस टाइम उसकी शादी नहीं हुई थी। और गाइस, ये मेरे हस्बैंड के जो हैं ऑफिस के हैं सारे, ये देख लीजिए आप। ये जो दीदी है ना, ये इनकी मम्मी है, और कोई भी यकीन नहीं मान रहा था कि ये इनका बेटा है। काश मैं भी ऐसी लगूं, काश मैं भी ऐसी लगूं जब मेरे बेटे बड़े हो जाए। और ये देखिए हम दोनों की कितनी अच्छी पिक्स है, ये देखिए, ये हमारी रश्मि माता आ गई, माता राम राम। सो गाइज, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं जो हैं, ये देखिए, ये देखिए, मैं तो हट्टी कट्टी सी लग रही हूँ बहुत ज़्यादा ही, देखना जरा।
हट्टी कट्टी देखो गाइस डांस हो रहा है मुंह खोल के। ये देखो ये यहाँ लड्डू को लेके डांस हो रहा है। मेरी ननद के लड्डू थे उस टाइम, मेरे पास लड्डू, छोटा लड्डू था मेरे पास, वृंदावन वाले लड्डू नहीं थे, ये वाला लड्डू था उस टाइम पे, अभी भी है, बड़ा हो गया है। और ये हमारे जिगरी दोस्त हैं। ये देखिए गाइस। और गाइस सबसे मोस्ट मतलब जो मेमोरेबल थिंग है ये महादेव, ये गाइस ऐसा अपियरेंस इन्होंने लिया था कि इतना बढ़िया इन्होंने डांस किया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितनी अच्छी, मतलब एकदम ऐसे लग रहे थे सच में महादेव आ गए। उन्होंने डांस बहुत भयंकर किया था, बहुत मस्त। ये राधा कृष्ण है, ये डांस हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी का सम्मान किया जा रहा है, आशीर्वाद। ये आंटी हैं देखो कैसे देख रहे हैं, पता नहीं किसे देख रहे आंटी ध्यान से। और ये हमारे दूसरे गुरुजी हैं, ये देखिए माला वाला पहन के बैठे हैं। ये आ गई हमारी गुरुजी की टीम, जो हमारे ये गुरुजी हैं इनके साथ ये जितने भी हैं सारे दिल्ली पुलिस में हैं, ये इनकी टीम है ये सारी। सो गाइस गाय गुरुजी टीम को लेके चलते हैं। ये हमारे गुरुजी, ये देखिए, ये मेरी बहन है, मेरी बहन है ये उनके हस्बैंड है। ये देखिए ये हम दोनों, ये अच्छा उसने कॉम्बिनेशन डाला राशि का और हमारा एक साथ कर दिया उसने कंबाइन। और गाइस ये हमारे काना है, छोटे से काना जिनकी हमने फोटो बनवाई है, देखो कितने प्यारे हैं। चुप रहे गाइस, ये ना बचपन से ना सेंसिटिव बहुत रहा है। नो और ये बर्थडे किसका था, कार्तिक का नहीं डुग्गू का था, ममता लाई थी ना केक ये वाला। ये बर्थडे अक्षर लिखा है। अच्छा कार्तिक का, ममता लाई थी केक। हाँ केक ममता लाई थी। ये विद फैमिली मैं हूँ और आप पे हूँ। सो गाइस आफ्टरनून के बज रहे हैं 2:10 और गाइस किसी ने मुझे काम दे रखा था कि आपको राधा रानी बनाने, तो गाइस मैंने बनाई है राधा रानी। ये रही वो गाइस, कमेंट में बताना कैसी लग रही है। ये रही राधा रानी, कमेंट में बताना कैसे बनाई है मैंने। ओके गाइस देखिए फ्लैश ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस ये ड्राइंग बुक है जो वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है और किसी और ने काम दिया था ये मुझे। ये गाइस कमेंट में बताना। गाइस ये देखिए भाई साहब क्या कर रहा है बे, क्या कर रहा है, ये क्या है, बंदूक, ये कैसे चलती है ऐसे, ये क्या चीज होती है बता, बंदूक ऐसे, अबे क्या चीज होती है ये पूछ रहा हूँ मैं, बंदूक क्या चीज होती है ये चलाने वाली। भाई इसके इधर गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, आई सुनते आपका थे। इसने ठाकुर जी को फ्रूटी का भोग हमने लगाया और इसने पी ली। ये लड़का वाली नहीं, माता पूरे वाली। दिन खांसता रहा है। हाँ माता वाली फ्रूटी इसने पी ली, भोग लगी हुई, पूरे दिन इसने खांसा। ठीक है हमें नहीं पता था कि ये पी लेगा, हमने सोचा हम चुपके से पी लेंगे, ये खाते ले पी ली। अब ये बिस्किट के पीछे पड़ा हुआ है गाइस, और देखो बिस्किट के लिए देखो क्या कर रखा है इसने, चाकू कहाँ मार रहा है। तो गाइस ये मुझे चाकू मार रहा है, कह रहा है बिस्किट दो नहीं तो ये देखो चाकू मारूंगा। देखो ये लड़का इतना बेकार है, आप जरा बताओ वहाँ पे क्या कर रहे हो। मम्मा के हाथ पे चाकू मार रहा है। अब वही वाला मेरे को गाना याद आ रहा है, माँ का दिल, माँ का दिल उड़ा दिया इसने। तो गाइज आज हो गया था बहुत सारा काम, मतलब ऑल भी हमने वुलन क्लोथ्स निकाले थे, तो सारा बेड वगैरह साफ करा दोबारा से, सारी सेटी वेटी साफ करी, उससे बहुत ज्यादा काम फैल गया था। फिर हम लोग फ्री हुए 4:00, थोड़ा सा मैंने इसे पढ़ाया, फिर अब मैं जरा रेस्ट कर रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको देंगे साग मिक्स, साग की रेसिपी। ठीक है गाइस, सो कैसे मैं बनाती हूँ साग घर में, सरसों का साग, वो मैं आपको बताने जाऊंगी। और अभी गाइस है का कल, मतलब कल नहीं इसका होने वाला, इट्स अबाउट टू कम हिज डिबेट कॉम्पिटिशन एंड टॉपिक इज जंक फूड इज गुड और हेल्दी फूड इज गुड। सो ही इज इन फेवर ऑफ हेल्दी फूड, ही इज अगेंस्ट ऑफ जंक फूड। सो गाइज we are just going to prepare for the debate, actually I am going to get him prepare for the debate because debate is very important and definitely everyone can participate in this
टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन ना, बाय दैट थिंग दे कैन बिल्ड दियर लाइक कॉन्फिडेंस लेवल एंड दे कैन रिड्यूस दियर हेजिटेशंस. सो दैट्स वाई गाइज मैनी टाइम्स आई सेड दैट इफ दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन हैपन्ड एट दिस स्कूल सो डेफिनेटली यू शुड जस्ट टेक पार्ट. सो नाउ ही इज गोइंग टू जस्ट टेल एवरीथिंग वट एवर ही प्रिपेयर्ड. सो लेट्स सी. Yes. So, have you prepared for the debate? Yeah. Okay. So, let's start. So, let's start. Okay. Hello, everyone. My name is Akshay. So, my topic is junk food is not good for us. So, how can you say that junk food is not good for us? Because in these days, everyone, everyone is curious to eat the junk food because it is too tasty and it is selling like a hot cakes. Yeah, you are right. But we should eat junk food once in a week because by the junk food, it can cause constipation and diabetes. How can you say that it is cause of constipation? Because we eat every day but we don't have that kind of problem. Do you know that junk food literally means unhealthy and worst food? No, I don't know because I like it and every day I eat this and I love to eat chow mein, burgers and Maggi, chili potatoes and other things. Do you know that the once upon a time there was a man and he ate four plates noodles in a one day and it is stuck and the noodles is stuck on his ribs and he was dry. He dead. Really? Yeah. I don't think so it happened because in these days I saw many people and I see every day many people they used to eat every day. But I don't think like it happened. No, it happened because noodles cause very... Okay, you said that junk food is not good for us. So why... Why do you like to eat pizzas? Why do you like to eat chili potatoes and other things? We should eat this type of food sometime, but not daily. We should eat food like fruits, apple, banana, papaya, guava, lychee and etc. And you can also eat plum. Yes, you are right, but we don't eat every day because this is not tasty. No, fruits are tasty because by the pomegranate, it produce many platelets in our body and also it produce blood. Really? Yeah. But your mom said that you never eat fruits and you don't like to eat fruits. You are curious about to eat other things. Okay, you said that junk food is not good for us. So, there are a lot of shopkeepers, they are selling junk food and they are earning much more money. So if nobody will buy the junk food, so what happened? What will happen with them? We do not that they are making with dirty hands. Do you know that? How can you say that they are making with dirty hands? No, they are making with dirty hands. Have you applied camera over here there? Yeah. Really? Yeah. No, it's not like that. If we eat junk food, so everywhere we first of all search that hygienic place. From the hygienic place, we can eat all these things. Do you know that in 5-star hotels, there are 5 days makhani dal, dal makhani, and they add some chemical masala, preservatives and sauces that it looks like and tastes like a fresh makhani dal. So, can you eat it? Yeah, many times I ate that kind of things because I love to eat makhani dal. But it's not happened because if it that kind of things happen now, so nobody will like to go there and nobody will like to eat there. No, I for kind information and we know about the taste. By the taste, we can judge that which type of things it is. But 1, 2, 3. Yes, this kind of advertisement attract children's like children TV advertisement attacks
and traps on the children's and when the children eat chips, cakes and we should eat less from packets and we should eat more from fresh. Guys, write in comment that how I spoke. I want to see your comments. Okay, bye bye, Tata. So guys, मुझे लग रही थी ठंड and I don't feel like to come out from the quilt. बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा रजाई से निकलने का, लेकिन मैंने उठ गई, मैंने कहा यार करना पड़ेगा, खाना वाना तो बनाना ही है. सो गाइज, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ द वेरी वेरी टेस्टी रेसिपी ऑफ पंजाब. इट्स मिक्स सरसों का साग. सो गाइज, देख ली आप जो वेजिटेबल सेलर होते हैं उनसे आप मिक्स साग ले सकते हैं, कटवा सकते हैं, वो खुद अपने आप ऐड कर देते हैं. इसमें आपको ज़्यादा क्वांटिटी सरसों का साग की लेनी है, उसके बाद पालक, थोड़ी मेथी और थोड़ा भतुआ, ये चार चीज़ें आपको ऐड करा लेनी है गाइस. और एक सरसों के साग में राई आती है कांटे वाली, वो बिल्कुल भी ना लें, कई बार मैं गलती से ले लेती हूँ तो कड़वा हो जाता है साग. तो गाइस, ये सरसों का साग जो है हमारी सासू माँ लेके आई थी हमारे लिए, मैंने ही मंगवाया था कि मम्मी सरसों का साग ले आना. और अब इनको तड़का मारना है. एक्चुअली जब मैंने इसको बॉइल करने चढ़ाया तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बिकॉज दैट टाइम आई हैड लॉट ऑफ वर्क, सो दैट टाइम आई डिडंट शूट द वीडियो. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक दिस रेसिपी. सो गाइज, आपको सबसे पहले सरसों का साग लेके आना है, उसको दो तीन बार अच्छे से धोना है. धोने के बाद आपको क्या करना है, धोने के बाद आपको उसे एक छन्ने में डाल देना है, उसके बाद आपको उसको कुकर में डालना है. कुकर में कम से कम आधा गिलास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ताकि सीटी लगे तो वो उसमें बॉयल हो जाए अच्छे से. उसके बाद इसमें 5-6 सीटियाँ आपको अच्छे से लगा देनी है. 5-6 सीटियाँ लगाने के बाद थोड़ा सा बेसन डालना है उसके ऊपर, और मक्के का आटा है तो आप मक्के का आटा भी थोड़ा सा ऐसे करके स्प्रेड कर सकते हैं. ऐसे स्प्रेड करने के बाद आपको क्या करना है, उसी कुकर में इसको ऐसे 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 घुमाते रहना है, घुमाते हल्की सी फ्लेम, लो फ्लेम करनी है गैस, और इसको ऐसे 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 अब जब आप करेंगे ना तो बेसन के साथ ऑटोमेटिकली ये घुट जाएगा साग. आपको कोई मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसने की ज़रूरत नहीं है. कई लोग क्या करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसते हैं तो वो पालक पनीर टाइप का हो जाता है, मतलब पालक पनीर के लिए जो हम पालक की प्यूरी बनाते हैं वो उस टाइप से बन जाता है, दैट वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता. बट इफ़ यू हैव टू गिव बेस्ट टेस्ट इन अ सरसों का साग लाइक अ पंजाब, लिटरली यू हैव टू जस्ट घोटना. क्या करना है, मैश करना है, घोटना है ऐसे ऐसे करके. आपको घोटने से ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और ये एकदम परफेक्ट है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको या तो देसी घी प्रॉपर लेना है, अगर आप प्रॉपर देसी घी से बना रहे हैं तो देसी घी ले लीजिए, अदरवाइज आप सरसों का तेल लीजिए, उसमें ढेर सारा अदरक, ढेर सारा लहसुन और ढेर सारा हरी मिर्ची डाल सकते हैं, उससे तड़का दे सकते हैं. और हींग, हींग मस्ट है. कार्तिक, इसके तड़के के लिए बहुत सारा लहसुन, अदरक, हींग, हरी मिर्ची, ये सब आप डाल के इसको छोड़ दीजिए तेल में या घी में. उसके बाद आपको हल्का सा इसमें नमक डाल देना है. नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेना है. और आपको बहुत ढेर सारी हरी मिर्ची डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हैं. और गाइस, इसको थोड़ा सा फटका लेना है, थोड़ा सा बॉयल सा कर लेना है बस. और ये सरसों का साग आपका रेडी है. इसमें आप मक्खन, घी डाल के खाइए चपाती के साथ या मक्के की रोटी के साथ. एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं मक्के की रोटी बनाऊंगी. एक्चुअली आई थॉट दैट आई शुड मेक मक्काज रोटी विद द साग, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क एट माई होम आई डिडंट गो टू मार्केट फॉर टेकिंग द मक्काज आटा. सो दैट्स वाई हमने क्या किया, हमने कहा कोई बात नहीं साग बना देते हैं, प्लेन आटे की रोटी बनाएंगे, दैट्स इट. सो गाइज, बहुत टेस्टी होता है ये सरसों का साग, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है. और आज मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर लग रहा है, क्योंकि काम करने के बाद मैंने अच्छे से कपड़े वपड़े चेंज करे घर का काम करने के बाद. उसके बाद फिर क्योंकि धूल धूल डस्ट डस्ट हो गई थी, और अच्छे से फेस वॉश करके बहुत सारी मैंने क्रीम अप्लाई करी और फिर मैं लेट गई, क्योंकि मुझे वैसे लेटने को मिलता नहीं है गाइस, है ना. लोग कहते हैं हाँ बहुत बिजी रहती है, बहुत बिजी रहती है. हाँ भाई, रहते हैं हम बिजी, हमें बिजी रहना पसंद है. सो गाइस, सरसों का साग की रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी. और ये रेसिपी मैंने अपनी गुड़गांव वाली मामी जी से सीखी है, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने ही मुझे साग बनाना सिखाया था, मुझे अभी तक याद है.
पहले यूट्यूब नहीं था, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो वही मेरी यूट्यूब थी वो या मेरी मम्मी, उन्हीं से ही मैं पूछती रहती थी। तो आंटी ने मुझे बहुत सारी रेसिपीज सिखाई हैं, सो थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं फटाफट से रेसिपी बनाने, बनी गई है ऑलमोस्ट, बस हो गया है। सो गाइज, अगर जिसे भी ट्राई करनी है अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। वैसे भी ड्यूरिंग द विंटर्स वी शुड टेक मच मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, यू नो दैट वॉट इज द बेनिफिट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, देर इज नो नीड टू टेल यू, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप भी ट्राई कीजिए। ओके गाइज, सो लेट्स सी दैट हाउ विल इट्स टेस्ट। गाइज आ गए हैं आज हमारे मनीष मामा, और उधर बैठे हैं पापा जी, लगे बैठे हैं। मनीष मामा राधे राधे कर दो। राधे राधे जी। और गाइज ये देखिए भाई साहब ने बनाई है एक नई गेम। अच्छा क्या क्या है, अच्छा कैसी गेम है बताओ। नहीं, अभी नहीं आते, लेकिन एक एक बॉल डाली और ऐसे ऐसे लग दी। हाँ ठीक है। और एक छल्ली जैसा डाला। हाँ। और ऐसे लग दिया। हाँ। और ऐसे ऐसे कल के ऐसे कर दिया। अच्छा। और ऐसे ऐसे अच्छा निकल गए। वाओ ये तो मैजिक है। मैजिक वाओ बता दो कैसे खेलते हैं गेम। बोला अगर जिस चीज को खेलने मेरे पास आ जाओ, जिसको खेलनी है मेरे पास आ जाओ। ओके गाइस मिलते हैं।